मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों के जिसकी शाखों से आशियाने लटक रहे हैं जो मुझको प्यारे हैं अपनी जहाँ से तुम्हारे दिल में खटक रहे हैं से है? मुझे एक से ज्यादा शायर पसंद थे कुछ का नाम सुन रखा था कुछ को पढ़ा आपको क्या डिफिकल्टीज करनी पड़ी एज ए स्टूडेंट लाहौर के अंदर मुझे एडजस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि क्य। मैं एक सिंपलर सिटी से था सरगोदा एक बहुत सादा शहर था उसके मुकाबले में लाहौर में ग्लैमर था ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है और वो और तुम नहीं शायद मुझको जिस और से मोहब्बत है अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं आपका मेज़बान अरहम भट्ट आप मुझे देख रहे हैं एन मीडिया पे आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी नफीस शख्सियत से कराने जा रहा हूं जो कि पेशे के लिहाज से तो एक डॉक्टर हैं लेकिन शोहरत उनको एक शायर के तौर पर मिली आप उस सब उनको जानते हैं और उनका एक शेर आज की जनरेशन में बड़ा जेर ग़ौर है ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है जनाब डॉक्टर फखर फख्रबाज असल सर क्या है सर आज आवाम जानना चाहती है कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है आखिर किस से मोहब्बत है ये सबसे पहले तो लाहौर से मोहब्बत है और उसके बाद ये किसी और से मोहब्बत है तो लाहौर को खूबसूरत बनाने वाली बाकी सभी चीज़ों से मोहब्बत है सर सर ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं और अब माशाल्लाह शोहरत आपको एज एन शायर भी मिली तो कौन सी चीज़ मुश्किल है डॉक्टरी या शायरी दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ करनी पड़ती हैं मैं बहुत अरसे से शायरी कर रहा हूँ मैं उस वक्त डॉक्टर भी नहीं थे जब से शायर हूँ मैट्रिक्स से मैंने शेर कहना शुरू किए और तभी से मेरा मैं बहुत संजीदा था शायरी के बारे में और मैं लोगों को कुछ नयाद देना चाहता था ऐसा कलाम जो शगुफ्ता भी हो और जिसके अंदर पैगाम भी हो और जब डॉक्टर बना तो फिर काफ़ी मुश्किल हो गया दोनों के साथ इंसाफ करना लेकिन आज के दिन तक कोशिश करता रहा हूँ कि दोनों को साथ लेकर चल सकूँ बहुत शुक्रिया सर सर और उसके साथ साथ हमने देखा कि माशाल्लाह लाहौर के अंदर भी नहीं बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान आपने माशाल्लाह कितने मुशायरे पढ़े और बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर इन्वॉल्व हुए तो उस शायरी के इन्वामेंट के अंदर एडजस्ट होने में कितना टाइम लगा शायरी के इन्वामेंट में एडजस्ट होना इतना मुश्किल नहीं है आप अच्छा लिखते हैं अच्छे शायर हैं तो लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं आपकी तारीफ और तोसीफ़ करते हैं आपकी क़दरदानी करते हैं तो मैं सरगोदा में था पहले एफ एस सी मैंने वहाँ से की तो उन दिनों में भी मैं शेरी नशस्तों में शिरकत करता था और शायरों के साथ उठता बैठता था बल्कि मैंने डॉक्टर वज़ीर आग़ा मरूमूम की आ, के साथ भी कुछ नशितें अटेंड किं और मुशायरे भी पढ़े बहुत अच्छे मुशायरे वहाँ पढ़े जब मैं लाहौर में आया तो यहाँ पे भी लोगों ने बड़ी पसीराई की एक वक्त था कि जब मैं बहुत मसरूफ़ रहता था और उन दिनों मैंने अपने मेडिकल प्रोफेशन को ज़रा कम टाइम दिया शायरी को ज़्यादा दिया बाद में फिर बैलेंस करने की कोशिश की और अब शुक्र अलहमदिल्ला काफ़ी अच्छा बैलेंस क्रिएट हो गया सर आप ये बताएँ कि आप लाहौर जब आए तो लाहौर आके एक बींग स्टूडेंट बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना तो आपको क्या डिफिकल्टीज़ फेस करनी पड़ी एज़ ए स्टूडेंट लाहौर के अंदर मुझे एडजस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मैं एक सिंपलर सिटी से था सरगोदा एक बहुत सादा शहर था उसके मुकाबले में लाहौर में ग्लैमर था फिर मैं जब हॉस्टल में था मुझे घर वालों की याद बहुत आती थी मैं होम सिकनेस का शिकार हुआ यहाँ के ग्लैमर से काफ़ी मुतासर हुआ लेकिन लाहौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थीं जिन्होंने मुझे सहारा दिया यहाँ की रौनक ने यहाँ के लोगों ने यहाँ के मिजाज ने शेर व अदब ने यहाँ के कल्चर ने यहाँ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा सर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लाहौर ने आपको अपना बना के रख लिया ऐसा क्या था कि जो लाहौर के आप होके रह गए तो वापस आपने जाने का इरादा बस जब मैं लाहौर आया तो पता नहीं क्यों मेरा दिल लग गया यहाँ पे यहाँ के दरो दीवार यहाँ की सड़कें बाजार और पार्कें कॉलेज इंस्टीट्यूशन सभी कुछ बहुत अच्छा लगा तभी से अपने जमाने तलब इलमी से जब मैं मेडिकल कॉलेज में था थाबार मेडिकल कॉलेज में तभी से मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं इन शह लाहौर में ही रहूँगा ना लाहौर से आगे ना लाहौर से ना लाहौर से और लाहौर वाले आपसे बेहद प्यार करते हैं और माशा सर ने लाहौर की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जा एज़ एन होस्ट और एज एन मुशायरा अटेंड भी किए और पढ़े भी हैं सर ये बताएं के अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं रिगार्डिंग uh, टू शेर व शायरी इसको आप कैसे लेके चल रहे हैं शायरी को तो अपने साथ लेके चल रहा हूँ मेरे क्या फ्यूचर प्लान हैं फ्यूचर प्लान तो अब आप लोगों के हैं या मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ कि उनके क्या फ्यूचर प्लान हों बहरहाल मैं शायरी को ले कर आया हूँ यहाँ तक और इन श्ला मेरी कोशिश होगी कि आइंदा भी इसके साथ निभाता रहूँ बाकी मेडिकल प्रोफेशन है उसके साथ भी इंसाफ करने की कोशिश करता रहूँगा सर ये जो लाहौर से मोहब्बत है एक बार हो जाए जी जरूर सबके सबके पूरे बिल्कुल ये आपकी फरमाइश है मैं यही ज़रूर पूरी करूँगा लेकिन एक मेरी अपनी दिली ख्वाहिश है वो नजम में सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बहुत इब्तदा में लिखी उसका अनमान है एक पुराना शजर मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों के जिसकी शाखों से आशियाने लटक रहे हैं जो मुझको प्यारे हैं अपनी जान से तुम्हारे दिल में खटक रहे हैं मैं खुद तो सहलूँगा धूप लेकिन मैं उनको साए में खुश रखूँगा जो बच्चे प्यारे हैं घोंसलों में हाँ। वो बच्चे प्यारे जो पल रहे हैं जो रंग अपने बदल रहे हैं हाँ। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों हाँ। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों के जिसको दीमक ने खा लिया है हाँ। जो खुद तो अंदर से खोखला है मगर सहारा दिए हुए है हवा में ऐसे घरों को जिनमें वो बच्चे प्यारे से पल रहे हैं जो रंग अपने बदल रहे हैं मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों को मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों जो बदनुमाई के दाग पहने गई रुतों के सुराग था में गुलों की बस्ती के प्यारे पौधों में एक गुनाह है तो आओ मुझको गिरा ही डालो मेरे बदन को जला ही डालो मगर ये तुमको ख्याल रखना पड़ेगा लोगों कि बच्चे प्यारे जो पल रहे हैं कहाँ पलेंगे कहाँ जियेंगे ये छोटे छोटे से फूल पौधे भी उनको आखिर कहाँ रखेंगे मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों मैं इन परिंदों का घर हूँ लोगों ये हम जो थोड़े बूढ़े लोग हैं ना हम पुराने शजर हैं और आप ये नए फूल और आप आप आपने ही हमें सहारा दिया हुआ है <laughs> और आप जैसे लोगों का आप जैसे बड़ों का होना एक रहनुमा आप लोग हमारे लिए रहनुमाई है सर ये जो लाहौर से मोहब्बत है सबकी शुक्रिया ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है और वो और तुम नहीं शायद मुझको जिस और से, से मोहब्बत है, है। बचपना कम सीनी जवानी आज बचपना कम सीनी जवानी आज तेरे हर दौर से मोहब्बत है उसकी हर तर्ज मुझको भाती है उसके हर तौर से मोहब्बत है उसकी हर तर्ज मुझको भाती है उसके हर तौर से मोहब्बत है एक तहजीब ]right. है मुझे मकसूद एक तहजीब है मुझे मकसूद मुझको एक दौर से मोहब्बत है और ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर देख ले गौर से मोहब्बत है ये जो लाहौर से, से मोहब्बत है ये किसी मुझ... और से मोहब्बत है किस शायर से आप मुझे एक से ज़्यादा शायर पसंद थे और कुछ का नाम सुन रखा था कुछ को पढ़ा लेकिन यह है कि इब्तदा में मैंने नासिर काजमी साहब मोहसिन नकवी अहमद फराज़ सैफुद्दीन सैफ साहिर लुधियानवी सागर सिद्दीकी इन लोगों को ज़्यादा पढ़ा लेकिन बाद में जब गालिब को पढ़ा तो फिर गालिब के हम पाया या हम पल्ला मुझे कोई नहीं मैं लगा बिल्कुल so, सो और सर और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए बस एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हम डॉक्टर फखर अब्बास को शायर ऑफ मॉडर्न एज ना कहें तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ना इंसाफ़ी होगी अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक और शेयर जरूर करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाफ़